आपको अपडेट करेंगे। एक रांची के इलाके वॉरल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लड़के जां बहक और दो अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कराची का इलाका है वॉरल कॉलोनी रोड, जहां वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लड़के जां बहक और दो अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची का इलाका वॉरल कॉलोनी है, जहाँ मोटर कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लड़के जां बहक और दो अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। विजुअल्स भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल की हालत आप देख सकते हैं। लड़कों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। टीनेजर्स ये बच्चे हैं जिनकी इस वाकये के अंदर जद में आए हैं, और दो मोटरसाइकिल सवार लड़के जां बहक हुए हैं, दो अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी रोड है, जहां वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लड़के जां बहक और दो अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कमर अली मस्तोई से। कमर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, हादसा कैसे पेश आया है? पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाटर टैंकर ने एक मोटरसाइकिल को हिट किया है, जिसके नतीजे में चार अफराद जख्मी हो गए थे। पुलिस के हवाले से कहना है कि वाकई के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर रोक कर उसे तोड़ फोड़ की और जो है उसे आग जलाने की कोशिश की। इस दौरान जो है वो चार जो है वो अफसोसनाक वाकये से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कमर बहुत शुक्रिया आपका।